एजुकेशन का तो जो नित्या जी है मैडम वो ऑलरेडी होंगे, उसके बाद हाँ उसके बाद इन्होंने कहा था कि इनका कोई मामला है यहाँ पर ना कोई MES में। मैंने कहा देखिए वो दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि सुबह 10:30 बजे मैंने कहा मैं सुबह दफ्तर में दूसरा कोई काम करने से पहले यही काम करूंगा, आप आ जाओ मैं आपके साथ चलूंगा, उनका जो भी सीनियर अफसर है उसके साथ फॉलो करेंगे, देखते क्या हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट क्या कर पाएंगे। बिल्कुल मैंने कहा आपके साथ चलेंगे, आप 10:30 बजे आ जाइए, मैं आपके साथ जो हो पाएगा करेंगे। ठीक है भाई, ये बंदे बाहर आपकी बात की हमने, आपने जो हमने की प्लीज इनकी मदद कर, हम आएंगे आपको। सारे किट्ठे होइए, दूई बारी आना कुछ नहीं, अगर अस 10-15 बंदे बरादर दे लगातार चलगे और साडा तुंदा पूरा साथ होग ते इंशाल्लाह उसी ओदे बच्चे भी और उसी और ओदी बीवी दी इंसाफ मिलेगा, और सारे चलो जनाजे दी तैयारी करो, इंशाल्लाह जनाजे दी नमाज होगी। यकीन है और हम उम्मीद करते हैं इनसे कि ये हमारी सहायता करेंगे, जाने वाला तो दुनिया से चला गया लेकिन जो बच्चे रह गए हम उनकी मांग कर रहे हैं कि उनके बारे में कुछ सोच समझ किया जाए ताकि कोई रेड क्रॉस या कोई सोसाइटी ऐसी है जो उनका पालन पोषण का साधन कर सके। बाकी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हमें सहयोग देगा और उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने सजा दी जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद जय भारत।